पिताजी जहाँ रहते हैं वो आशा नगर नहीं है बाबू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते रामू, तुम कैसे हो? कृपया डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे जल्दी से भाग के चतर ले आ, देख डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जान खा जाएंगे। जान तो आप खा रहे हैं सबकी मोटेलाल जी, ये मिठाई खा के आदमी जी कैसे सकता है। राम राम डॉक्टर साहब, मोटेलाल बांकेलाल, ये शुद्ध घी की मिठाई है डॉक्टर साहब, आदमी एक देर खाएगा दो देर वजन बढ़ जाएगा। वजन तो इन मक्खियों का बढ़ रहा है, आदमी खाएगा तो सीधा फर्क हो जाएगा। आपसे कई बार कहा ये मक्खियाँ हैजा फैलाती हैं, अपनी मिठाई को ढांक के रखा कीजिए, अभी ठोकर मार के सब नहीं फेंक दूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब की बार माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अभी अभी दुकान खोली। अरे
फिर बदमाशी शुरू कर दी। डॉक्टर साहब अस्पताल में जाके अपना काम करो, गांव में काम पे दखल देने में कोई हक नहीं है तुम्हें, समझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में बीमार पड़े, उन्होंने गांव के लिए जितने अच्छे काम किए हैं, तुम अपनी हरकतों से उन सब पर पानी फिर रहे हो। देखो डॉक्टर साहब, मैं फिर एक बार तुम्हें कह देता हूँ, मेरे पिताजी ने अस्पताल बनाया है, तुम्हें नौकरी दी है, मेरे काम में दखल मत दो, समझे? अबे गंगू तू कहाँ जाएगा, आखिर इसी गांव में रहना है ना तुझे, तुझे भी देख लूंगा। हाँ कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। कैसे चिंता ना करूं डॉक्टर साहब, छोटे मालिक तुम्हारे घर जला देंगे। अगर इतना डरते हो तो जाके छोटे सरकार के पांव पकड़ लो। अरे जरा धीरे चल, आसपास हम गरीबों के दिल पड़े हैं। तभी तो मैं कहूँ आज यहाँ कचरा कहाँ से आ गया। देखा राम प्रसाद जी, किस बेहयाई के साथ हीरा के लिए दूध लेके जा रही है, नालायक है सब। हमारी आ रही है इस्माइल, आंख पे तो तुम्हारे पट्टी बंधी हुई है, फिर ये लौंडिया तुमको कैसे नजर आती है? तू चुप रहा कर दयाराम, इलेक्शन का जमाना है वरना हम दोनों को गांव से निकाल देता। एक छोटी जात की छोकरी एक ब्राह्मण के लड़के साथ खुल्लम खुल्ला प्यार करे, प्रेम करे, लविया रहे, इस गांव में लवव नहीं चलेगा, दोनों को जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ तुम ठीक कहते हो राम प्रसाद, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे सचमुच में यार कलजुग है कलजुग। अरे काय का कलजुग, सारा युग अपने हाथ में है, देख लेना दयाराम, तीसरी बार यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट बनूंगा और फिर किसी ने गड़बड़ की तो गर्दन पकड़कर गांव से बाहर कर दूंगा। क्या बात कही है राम प्रसाद जी, मगर बेटा एक बात है, इस लौंडिया को तुम नहीं निकालोगे। क्यों नहीं? इसलिए कि गांव वाले कहते हैं, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा मत समझ जाना, ये गांव वाले कहते हैं कि उस लौंडिया की माँ से तुम्हारा कुछ गोलमाल था। मेरा नहीं, मेरा था, तेरे बाप का था। इससे मुझे बोलने जो बोलना है, मेरे बाप का नाम मत लेना। क्या करेगा तो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अरे तू मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए मैं चुप हूँ, वरना वरना मैं जानता हूँ तू क्या है। क्या है? तू कमीना है, तू लुच्चा है। बस हाँ तू मुझसे जलता है, तू जानता मेरे पास शोहरत है दौलत, तुझसे अकल ज्यादा मुझ में। अरे जा, तू चाहता है कि मैं हार जाऊं इलेक्शन में इसलिए मुझे बदनाम कर रहा है। अरे कभी नहीं हारने वाला हूँ, देख इलेक्शन में कभी नहीं हारूंगा, तीसरी बार तो मैं प्रेसिडेंट न हुआ तो मैं भंगी, मैं चमार। वो तो तू है ही है। अरे जा तू, अबे जितना झूठ बोलेगा उतना खासेगा, क्यों बकता है बाकी तू? अरे सच कुछ खास रहेगा डॉक्टर साहब, कमांडर साहब, अरे डॉक्टर साहब। चलो बैठो। क्या हुआ? ये उल्लू का पट्टा मेरी जान लेकर रहेगा। अरे डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसका हाथ भी लगाया, हाथ नहीं लगाया लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है, गालियां दे रहा है। चुप, आप बैठिए बैठिए रमेश जी, आप भी शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत हो जाऊंगा, इस उल्लू का पट्टा को निकालिए, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। सुना आपने? आप चुप रहिए प्लीज डॉक्टर साहब। और ये भी कर दीजिए कि अस्पताल मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये साला दोस्ती का फायदा उठा रहा है, ये बीमार उमार कुछ है नहीं, सिर्फ मुझे बदनाम करने आया ताकि मैं इलेक्शन में हार जाऊं, है कि नहीं इस्माइल? और क्या? अबे तू चुप रह चमचे। आप चुप रहिए, आप आपने फिर ने दंग किया तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा, समझ गए आप? राम प्रसाद जी आप इलेक्शन की चिंता कम कीजिए और अपनी सेहत की ज्यादा। आपसे कितनी बार कहा आपके लिए दूसरा कमरा तैयार है, आप दूसरे कमरे में क्यों नहीं आ जाते? डॉक्टर साहब मैं यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी जगह जनता के साथ है, मुझे यहीं रह लीजिए। तो फिर मैं लाचार हूँ। मैं भी लाचार हूँ डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। नर्स राम प्रसाद जी को दवा पिला दो और इसके लिए जहर। अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो मैं किसी को दवा नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग किशोर, कैसे हो? ठीक हूँ सर, थैंक यू। यहाँ कब ला रहा?
नहीं तो मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे आप पहले कैसे आ गए? आपको तो क्यू में रहना चाहिए था। क्यू क्यू में कैसे खड़े हो सकते हैं डॉक्टर साहब? वहाँ तो सारे अछूत हैं, उनका कपड़ा भी लग गया तो मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। बदजनी की दो गोलियां दे दीजिए, बस मैं चला जाता हूँ। फिर तो गोलियां आपको मेरे हाथ से नहीं लेनी चाहिए। क्यों? मैं भी तो छोटी जात का हूँ सेठ जी। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सूरत से तो आप मेरी तरह बड़े ऊंचे खानदान के मालूम होते हैं। सूरत पर क्या लिखा होता है कि कौन ऊंचे खानदान का है और कौन अछूत है? मैं सिर्फ अछूत ही नहीं बल्कि मेरे पिताजी जेल के आसामी थे। है? जी हाँ, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे। एक दिन स्कूल में उन्होंने जमींदार साहब के बेटे की खूब पिटाई की, इसलिए कि वो बहुत शरारती था। जमींदार साहब को बहुत बुरा लगा और उन्होंने स्कूल में आकर मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती की और उनको नीच कहा। पिताजी ये बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से में आकर जमींदार साहब के दो दांत तोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि पिताजी को जेल जाना पड़ा और इस सदमे की वजह से जेल में ही उनकी मौत हो गई। आपकी गोलियां। कहाँ जा रहे हैं आप? है? पैसे दीजिए। पैसे भी देने होंगे? जी हाँ, दवा के 2 रुपए। ये लीजिए। मुझे नहीं, उस बॉक्स में डालिए। चलो एक एक करके अंदर आना शुरू करो। क्यों, कैसे हो? डॉक्टर साहब बुखार भी वैसे ही है और पेट में तकलीफ। किशोर रोज की तरह क्यूनिन मिक्सचर और कुनिन मिक्सचर बनाते जाओ। ये देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही इसे तैयार कर रखा है। वेरी गुड। उफ, ये तो किसी की बात ही नहीं मानता। किशोर जाके हीरा से कहो कि गाना बंद करे। जो डॉक्टर की बात नहीं मानता वो भला कंपाउंडर की क्या सुने। आप आइए। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। मीत संग छोड़े तो छोड़ दे, मैं न तोड़ूं प्रीत की रीत रे। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। शुरू हो गया नौटंकी वाला। मधुर आवाज पाई यार। जीते रहो बेटा, जीते रहो। I tell you million dollar boys। डॉलर के बच्चे अपनी हिंदुस्तानी भाषा भूल गया है क्या? अरे ब्लडी नेटिव, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं कह रहा हूँ ये हीरा है ना, हीरा अगर फिल्म में पहुंच जाएगा तो ताप में आ जाएगा। अबे तुझे मालूम है उसे खून की उल्टी हुई है, उसे टीबी है, टीबी। जिंदा बचेगा तब तो टॉप टूप पे आएगा। तो तुम क्या उम्र भर जिंदा रहने का ठेका लेके आए हो? तुम भी तो मरोगे एक दिन। देखिए राम प्रसाद जी क्या बोल रहा है ये। बेटा रतन जरा तमीज से बात करना सीखो, तुम जैसे नौजवान हो पर तो इस देश का भविष्य निर्भर है। ओल्ड मैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि लेट द मैन सिंग एंड एंजॉय हिज लाइफ। अब हिंदुस्तानी में बोल, शट अप। अरे तुम चुप रहो यार, ये अस्पताल है या मच्छी बाजार है? चारों तरफ चिल्ला चिल्ली, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अंग्रेजी फड़फड़ा रहा है। अरे 2,13,000 रुपए खर्च करके मैंने ये अस्पताल इसलिए बनवाया था। मेरा सब कुछ जोर से सांस लीजिए। गीत बिना कौन मेरा मीत रे। चलिए अपना इंजेक्शन का टाइम हो गया। क्या इंजेक्शन लगा गए, शोर तो बंद करो पहले, लोगो गाना अभी तक चल रहा है। अरे ये चौधरी ऐसा मत बोल भैया, ये अपना हीरा है, इसी की वजह से तो अपने गांव की नौटंकी मशहूर है। तो हाथ हटा यहाँ से, तुम मुझसे बात कर रहे हो? धोती नीचे कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठहरो, नौटंकी ठहरो यार। अरे भाई तुम लोग उस तरफ देखो, उस तरफ देखो इस्माइल, उस तरफ देखो भाई। मेरी आंखों में तो फिर भी उस तरफ देखो।
बताओ यार, सुई दिखा जरा। नौटंकी, अरे देश आजाद हो गया लेकिन नौटंकी वाले तेरे अब भी मौजूद है। ए, क्या कर रहा है, गुदगुदी लग रही है, उधर देख। अरे आज जनता को नौटंकी नहीं चाहिए, जनता को चाहिए पेट में खाना, तन को कपड़ा, रहने को घर और अंटी में रुपया, और ये सब तेरे नौटंकी वाले नहीं दे सकते। आज देश को मेरे जैसा लीडर चाहिए, मेरे जैसा लीडर ही देश को आज बचा। गीत बिना तुमने फिर गाना शुरू कर दिया। बहुत पुरानी बीमारी है डॉक्टर साहब, एक बार किसे लग जाए जान नहीं छोड़ती। तुम इस तरह लापरवाही करते रहोगे तो अच्छे कैसे होगे? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी अच्छा नहीं होऊंगा। ये मैं नहीं कह सकता हीरा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है कोशिश करना। देखिए ना डॉक्टर जी, ये किसी के नहीं मानते, मैं कब से कह रही हूँ दूध का गिलास पी लो। श्यामा, अगर तुम इस तरह हर रोज दूध का गिलास लाती रही तो हमारा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। क्यों? इसलिए हम अपने मरीजों को दूध भी सप्लाई नहीं कर सकते। कितनी बार इनसे कहा है कि दूध मत लाओ। यहाँ तुम्हारा नहीं डॉक्टर जी का हुक्म चले हैं। ठीक ही तो कहती है श्यामा, मरीजों को अपनी देखभाल करने वालों का कहा मानना चाहिए। चलो पी लो। श्यामा, क्या तुम नहीं जानती मुझे क्या बीमारी है? बीमारी मारी हम क्या जाने, वो तो डॉक्टर ही जाने हैं। क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है? ये तपेदिक बड़ी जालिम बीमारी है, इसका मरीज कभी अच्छा नहीं होता। हेलो लेफ्टिनेंट रतनलाल, अच्छे तो हैं आप? अच्छा कैसे हो सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल का इंतजाम कितना खराब है। आई सी, नो गुड फूड, वाटर एंड मिल्क। आपका मतलब है कि पानी में दूध मिलाते हैं? हाँ यस एग्जैक्टली, और फिर हमसे कहते हैं पियो। दूध में पानी इसलिए मिलाते हैं कि आपको जल्दी हजम हो जाए। आज आपके खून का टेस्ट होगा। नर्स, ब्लड टेस्ट, क्या उसका इंतजाम है यहाँ पे? इंतजाम तो कोई खास नहीं है लेकिन आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। अरे हमारे मिलिट्री अस्पताल में सब कुछ मिलता है डॉक्टर साहब, क्या बिस्तर, क्या फूड, खाने को चिकन स्टू, मटन रोस्ट और पीने को फ्रूट जूस। अब चुप, फौजी की औलाद दो दिन फौज में कह रहा है कि अपने आप को जर्नल का बाप समझता है, मगर डॉक्टर साहब सारे गांव को मालूम है कि फौज से निकाला गया है। शट अप यू ड्रंकर्ड सन ऑफ अ ड्रंकर्ड। डॉक्टर साहब, इसने मुझे अंग्रेजी में गाली तो नहीं दी? जी नहीं दयाराम जी, ये तो आपकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि दयाराम जी बड़े दयालु हैं। क्यों? लखन साहब बाजा मत बजाइए, रामप्रसाद जी परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज से यहाँ गाना बजाना बंद। आप एक नोटिस लगा दीजिए डॉक्टर साहब कि अस्पताल है बाजार नहीं है, यहाँ शोर बिल्कुल नहीं मचना चाहिए। नोटिस तो लगा दूं लेकिन पड़ेगा कौन? मैं चाहता था यही सवाल आप मुझसे पूछे डॉक्टर साहब, इस इलेक्शन के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ आप जानते हैं? मैं जितने अनपढ़ बूढ़े बच्चे जवान सबको जबरदस्ती शिक्षा प्राप्त के लिए स्कूल भेजूंगा, और इस अनपढ़ के बच्चों को सबसे पहले भेजूंगा। काम तो राम प्रसाद जी बाद में भी होता रहेगा, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है, आपको दो बार दिल का दौरा पड़ता है। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आप कहना चाहते तीसरे दौर में मैं नीचे उलट जाऊंगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पड़े रहना मेरे लिए मौत के बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ। सुनिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं भाषण देने के लिए बाहर जाऊँ, जनता से कहूँ उनके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आप जल्दी से मुझे इंजेक्शन दीजिए, दवा पिलाई, अच्छा कर दीजिए बस। राम प्रसाद जी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, ये एक्साइटमेंट जो है ना ये आपके लिए बहुत बुरी है। समझा? अबे जाहिल बेवकूफ, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं वैसे ही कर, नहीं तो नरक में जाके इलेक्शन लड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी कहा मेरे लिए उत्तेजित होना मना है, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा। अरे यार इस्माइल, ये साला तो हवा से लड़ता, इसे कहीं मिर्गी व्रिगी का दौरा तो नहीं पड़ता? इससे भी खराब बीमारी है इसे चौधरी साहब। क्या बीमारी है इसे? मैं बताता हूँ क्या बीमारी है मुझे, माल बहुत दिया है ना इसलिए मेरा लिवर खराब हो गया है, मैं मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो तुम दोनों के बाप का क्या जाएगा। और अबे ओ इस्माइल, कोई तेरी बहन से शादी करने तो नहीं जा रहा हूँ? खबरदार तुम तुम्हारे लिए भी उत्तेजित होना ठीक नहीं है, इसे भौंकने दो। भौंक
कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा मीता। अपनी गरज पड़ी है तो तुम्हारे पास आई हूं। लेकिन लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम पड़ा? जब किसी की जरूरत पड़ती है तो पता मालूम हो ही जाता है। मैंने पहले कह दिया ना, अपने घर से आई हूं। ये है मेरी गर्ज। बाबू, डॉक्टर साहब को नमस्ते करो। बोलो तो, ये कौन है? अच्छा, तुम्हारे बेटे को नहीं पहचानूंगा? मेरे पिताजी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, रेलगाड़ी का स्वर्ग है। माता जी कैसी हैं? 3 बरस हुए, वो भी स्वर्ग को चली गई। फिर तो मेरे पिताजी से जरूर मिली होगी। हाँ बेटा। किशोर, शहर से मेरे मेहमान आए हैं, मैंने अपने क्वार्टर्स में ले जा रहा हूं, तुम यहां अटेंड करो। यस। ओके। चलो मीता। घर जाने की क्या जरूरत है, मैं यही रह जाऊंगी। क्यों? माता जी भी नहीं है, फिर तुम्हारे घर में क्या सोचेंगे? अब तुम्हारा मतलब है मेरी घरवाली क्या सोचेगी? हाँ, ये सोचने की बात तो है। ठीक है, मैं कह दूंगा तुम मेरी दोस्त हो। चलो। अरे भाई, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, देखो तो मेहमान आए हैं। आओ मीता। अरे सुना नहीं तुमने, मैंने कहा ना मेहमान आए हैं। जब देखो किचन में लाओ। अरे भाई, ये खाना वाना बनता रहेगा, तुम जरा बाहर तो आओ। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई डाकू वगैरह घुस आए हैं। ये ले, और साथ वाले कमरे में मेहमानों के आने का इंतजाम कर दे। मेहमान? ओ ठीक। और सुन, जल्दी से चाय बना के लाओ। चाय अभी? हाँ, इस वक्त। चाय चाय चाय। मगर वो कहाँ है? तुमने तो कहा था। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं कहा था, तुम्ही ने कहा था। तुम्हारी घरवाली क्या कहेगी? मेरे लिए तो बस रामू ही मेरी घरवाली, घरवाला, बाप, भाई, नौकर, सभी कुछ चाहिए। और यहाँ कोई नहीं रहता। तुमने शादी नहीं की? अरे रामू, कहाँ मर गया तू? चाय लाना जल्दी। आ जाएगी चाय, जल्दी क्या है? यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बेटा बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू, मेरे पिताजी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ठीक है ना? तुम्हारे पास आओ। कोई बात नहीं बाबू, सब कुछ भुलाकर सिर्फ इस बच्चे की खातिर तुम्हारे पास आई हूं। दुनिया में इसके सिवा मेरा और कोई नहीं। बाबू बेटे, हम तुम्हारा पांव देख सकते हैं? थैंक यू। देखने में तो कोई खराबी मालूम नहीं होती, पूरी केस हिस्ट्री बताओ मीता। खुद का खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, और ऊपर से मेहमान, हम जाने कौन संभालेगा। तब से ना चल फिर सकता है, ना खड़ा ही हो सकता है। शुरू शुरू में दीवार के सहारे चलने की कोशिश करता था, अब वो भी छोड़ दिया। मैंने जो भी हो सका किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता ना करो मीता, सब ठीक हो जाएगा। सब डॉक्टर यही कहते हैं। अच्छा, तुम लोग आराम करो, मैं अस्पताल जाता हूँ। शाम को सोचेंगे क्या करना चाहिए। मैं तो एक छोटे से अस्पताल का छोटा सा डॉक्टर हूँ, कड़वी कुनीन मिक्सचर और मीठी बातों से इलाज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लेकिन मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ।
उम्मीद ही तो इंसान को जिंदा रखती है मीता। मेहमान आया है ना, उनके बच्चे के लिए दूध चाहिए, बहुत कमजोर है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं श्यामा से कह देता हूँ, पहुंचा दिया करेगी। आते जाते पल क्या है, समय के ये झूले हैं, बिछड़े साथी कभी याद आए कभी भूले हैं। आते जाते पल क्या है, समय के ये झूले हैं, बिछड़े साथी कभी याद आए कभी भूले हैं। आदमी है आदमी, आदमी करे है घोरों, दुख सुख के झूलों की फूलों की तू छाया, छाया वो जो बन गई भूल, छाया का मरीज। डॉक्टर साहब ने मुझे सिर्फ दूध पीने के लिए कहा है, तुम लोग मुझे दूध नहीं देते, क्या हम लोग टैक्स नहीं भरते? तुम टैक्स भरते हो या नहीं, मुझे से कोई मतलब नहीं। हम टैक्स भरे और दूध तुम पियो। क्या कहा? जवान संभाल के बात करो वरना उठा के बाहर फेंक दो। नर्स, अंदर शोर क्यों है? मैं नर्स नहीं हूँ और मैं यहाँ काम नहीं करती। काम तो यहाँ कोई भी नहीं करता, ना नर्सेस करती हैं, ना डॉक्टर करते हैं, यहाँ सब काम चोर है। बाय द वे, आप यहाँ स्टूडेंट हैं? जी नहीं, वार्ड में शोर इसलिए हो रहा है आपके अस्पताल में गैस्ट्रिक अल्सर्स के मरीजों को वक्त पर दूध नहीं मिलता। व्हाट नॉनसेंस, दूध नहीं मिलता? आई विल ब्लड दिस हॉस्पिटल। चुप हो जाओ, शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना डॉक्टर साहब, मैं गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज हूँ, बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम सिर्फ दूध पियो और ये लोग मुझे दूध नहीं देते। आई सी, मटन खान, वेयर इज दैट ब्लास्टेड नास्टी वुमन? हम इधर हैं, तुमको क्या मांगा? इस पेशेंट को दूध मांगता, दूध। आप जानता दूध? हम सब जानता है तुम यंग मैन लोग क्या मस्करी करता है। अगर तुम कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाला? आपको शर्म नहीं आती कि आप इन बेचारे मरीजों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं? ये लोग टैक्स देते हैं तो आप सबको तनख्वाह मिलती है। ए छोकरा, ये मत भूलना कि तुम एक सीनियर मेसन से बात करता है। क्या हुआ? व्हाट ऑल दिस अबाउट? सर, ये स्टूडेंट हमारा इंसल्ट कर रहा है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ सर, फाइनल का एग्जामिनेशन पास कर चुका हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। नो माय बॉय, नॉट हियर। जब तुम 6 महीने हाउस असिस्टेंट का काम कर सकोगे तभी तुम डॉक्टर बनोगे। टू हेल विद इट देन। तो फिर मैं एक शहरी होने के नाते जवाब तलब करता हूँ। जवाब तलब करते हो? किससे? पहले तो मैट्रन से पूछ रहा था, अब आपसे पूछता हूँ। आप इस वार्ड के इंचार्ज हैं, बताइए कि इन बेचारों को दूध क्यों नहीं मिलता, जवाब दीजिए। तुम्हारी ये हिम्मत कि सीनियर डॉक्टर से सवाल जवाब करते हो? तुमको मालूम है कि मैं तुम्हें इस कलश से अभी निकल सकता हूँ, तुम्हारी डिग्री वापस ले सकता हूँ। और आपको ये मालूम है कि मैं आपको उठा के नीचे फेंक सकता हूँ, आपकी हड्डी पसली तोड़ सकता हूँ? हड्डी पसली तोड़ सकते हो? ऑल राइट, आई विल टीच यू अ लेसन। सबक तो मैं सिखाऊंगा आपको। आई टेल यू, यू विल रिग्रेट दिस। यू वॉन्ट लिव टू रिग्रेट दिस। डॉक्टर साहब, ये
क्या मजाक है? सुना नहीं आपने मेरी डिग्री छीनी जा रही है? ये लीजिए, डॉक्टर साहब का गुस्सा आप पे निकाल रहा हूं। हम अभी भी हमें लगे ना लगता है दुनिया गोल है। शायद मेरे पिताजी 5 नंबर कैबिन में है, हार्ट पेशेंट है। वैसे मैं डॉक्टर मुखर्जी को लेने जा रही थी। डॉक्टर मुखर्जी? हमारे प्रिंसिपल साहब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डॉक्टर, लेकिन आज उनको भी कुनीन मिक्सचर का डोज पीना पड़ेगा। आई विल ब्लो दिस हॉस्पिटल। हमारी स्टूडेंट्स यूनियन को एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला करना है और हम सब उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैं पूछता हूं डॉक्टरों का फर्ज क्या है? डॉक्टरों का फर्ज ये सर्जिकल केस नहीं है, मरीजों का इलाज करें और उनको हर उस चीज का इंतजाम करें। स्टूडेंट कॉलेज को बंद से उड़ा देने की धमकी दे रहा है। लेकिन अगर किसी अस्पताल में कुछ ऐसे डॉक्टर मरीजों के साथ बदसलूकी या बदमजाजी करें और साथियों न सिर्फ ये बल्कि मरीजों के लिए जो दूध आता है उसे चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेच दें या खुद पी जाए या अपने बीवी और बच्चों को पिला दें, डॉक्टरी के नाम पर, मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर ये क्रंक है। इट्स ए शेमफुल शेमफुल एक्ट। और हमने ये फैसला किया है कि हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, हमारी डिग्रियां छीन ली जाएंगी। लेकिन ये नहीं जानते कि हम डिग्रियां वापस नहीं करेंगे बल्कि अपनी डिग्रियों को जलाकर उसकी खाक इनके हवाले कर देंगे। एक कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से जो कुछ मेरे दोस्त सुनील कुमार ने कहा है मुझे उससे 100% इत्तेफाक है। लेकिन एक बात छोड़कर, और वो बात है डिग्री जलाने की। डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा नहीं जैसे तुम यूं ही जला दो। डिग्री एक सबूत है, तुम्हारी उस काबिलियत का सबूत कि आज से तुम दुखी और बीमार इंसानों की सेवा के लिए तैयार हो। डिग्री एक ऐलान है इंसानियत के अधिकार का, तो तुम सब पे लागू है। और अब मैं प्रिंसिपल की हैसियत से कहता हूं कि तुम लोग अपनी क्लासेस और अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। मुझे तुम्हारी शिकायतें पहुंच चुकी हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि उन शिकायतों की पूरी छानबीन की जाएगी और जो भी कसूरवार होगा उसको उसके कसूर की पूरी सजा दी जाएगी, चाहे वो वार्ड बॉय हो, नर्स हो या डॉक्टर। थ्री चीयर्स फॉर द प्रिंसिपल। पानी मत पीजिए, उल्टी हो जाएगी। किशोर एमिटन जल्दी। अरे इस्माइल, ये खून मुन देख के अपना तो जी घबरा रहा है। तो आप उधर मत देखिए ना डॉक्टर साहब, वो कमरा खाली है मेरा वाला। क्यों जाना आपको? नहीं, मुझे नहीं, इसे भेज दीजिए। ये रात को कोई मर गया तो ये बगल में मुर्दा पड़ा रहेगा, अपने से तो नहीं रह जाएगा। घबरा मत, घबरा मत प्रेसिडेंट के बच्चे, मैं तेरा क्रियाक्रम करके फिर मरूंगा। अरे क्या जा, पहले तू मरेगा और जब तू मरेगा ना मैं तेरे क्रियाक्रम में नहीं करूंगा, टांग पकड़ के घसीट कर नदी में डाल। राम प्रसाद जी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसको पकड़ दीजिए डॉक्टर साहब, आप मुझे इंजेक्शन दीजिए।
डॉक्टर साहब, ये सब मेरा कसूर है डॉक्टर साहब। मैं इसे चिढ़ाने के लिए माउथ ऑर्गन बजा रहा था, ये मुझे मारने के लिए चलाया। हाथापाई में बहुत जोर की खांसी हुई और फिर खून की उल्टी होने लगी। दोष इसका है डॉक्टर, सबसे झगड़ता है। आप सब हमें बहुत सताते हैं। एक डॉक्टर के नाते मैं आपको इंजेक्शन दे सकता हूँ, कुनीन मिक्सचर पिला सकता हूँ, आयोडीन लगा सकता हूँ, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखिए, अस्पताल में कोई सैर तफरी के लिए नहीं आता, जब कोई तकलीफ होती है तभी आता है। तो फिर ये आपस के झगड़े क्यों? इस जिंदगी में पहले ही दुख बहुत है। वाकई जिंदगी में दुख बहुत है। उधर नहीं फेंकी जाएगी। तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही दिन में सारे घर को ऐसा साफ सुथरा कर दिया जैसे ये मामूली डॉक्टर का घर नहीं किसी शानदार होटल का कमरा हो। तुमको तो होटल के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। घर ठीक हो गया तो होटल हो गया। अरे वाह। अपना क्या है, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर, और हमारी उम्र तो कटी अस्पताल में और मरेंगे इस शानदार होटल जैसे घर में। मरे तुम्हारे दुश्मन। इस दुनिया में कौन दुश्मन है कौन दोस्त, यही आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मीता, ये कुछ काम भी करता है या सोता ही रहता है? क्या मैं सोता रहता हूं? तो ये रात दिन आपके घर में कामकाज कौन करता है? आपको दो दो बजे तक चाय कौन पिलाता है? आपके कपड़े कौन धोता है? अरे काम करने वाले इतने मोटे होते हैं क्या? हाँ, काम भी करते हैं और मोटे भी होते हैं। और सुन, ये इतना बढ़िया टी शर्ट कहाँ से चुरा लाया? क्या कहा, टी शर्ट चुरा के लाया? मैं चोर हूँ दीदी, सुना आपने? अब मैं इस घर में एक मिनट भी काम नहीं करूंगा, आप मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। मैं चोर हूँ ना? हाँ दो, मैं चोर हूँ। अरे तेरी ये धमकी मैं हर रोज सुनता रहता हूँ, जब तक तू मरेगा नहीं इस घर से निकलेगा नहीं। लेकिन मीता, ये टी शर्ट आया कहां से? हर चीज तुम्हारी ही तो है, तुमने कभी आंख खोलकर देखा भी है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मीता। तुम्हारे पास वो है जो दूसरे किसी को नसीब ही नहीं। वो क्या? तुम्हारे अस्पताल में आज मैंने जो कुछ देखा बरसों में कहीं नहीं देखा। तुम कितना प्यार देते हो अपने मरीजों को। अच्छा, तुम भी धोखा खा गई ना? वो तो मेरा ढोंग है ढोंग, जरा गांव वालों से मेरे बारे में जाके पूछो, वो मुझे कसाई कहते हैं, कसाई। लो चाय पियो, और मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुमने अभी तक चाय नहीं पी? देखो मीता, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, कभी कभी मेरे आने में बहुत देर हो जाती है। कभी कभी? नहीं, हमेशा। लेकिन तुम वक्त पे चाय पी लिया करो। नहीं। क्यों नहीं? ऐसे ही। बाबू कहाँ है? दूसरे कमरे में। मैं सोचता हूँ कल से बाबू का इलाज शुरू कर दूँ। ये मेरी आखिरी कोशिश है। ये लो, अभी तो इलाज भी शुरू नहीं हुआ और तुमने निराशा की बातें करनी शुरू कर दी। मैं तो समझा था मीता, तुम मुझ पर भरोसा करोगी, मुझे सहारा दोगी। मैं किसी को क्या सहारा दूंगी, मैं तो खुद सहारा पाने के लिए आई। मीता,
बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, है ना? हाँ, 8 साल बीत गए। और इन लंबे 8 सालों में मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिला। ऐसा लगता था कि मैं चारों तरफ से दुखों के समंदर में घिरी हुई हूं। बाबू, मैं डॉक्टर साहब से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। कल से तुम्हारा इलाज शुरू करना है ना, फिर तुम चल सकोगे, दौड़ सकोगे और फुटबॉल खेल सकोगे, फिर तुम खुश होगे ना। सुनील हूँ मेडिकल कॉलेज से, आप जल्दी यहाँ चली आइए। पिताजी, पिताजी की तबीयत कैसी है? आप जल्दी यहाँ चली आइए प्लीज। मीता जी से कहिए डॉक्टर सुनील आए। जी मेरा नाम डॉक्टर सुनील, मेडिकल कॉलेज से आया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपके बारे में मीता हमें सब कुछ बता चुकी है, आप नहीं होते तो भाई साहब की लाश अब तक वहीं पड़ी होती। अस्पताल से डेड बॉडी निकालना बड़ा मुश्किल काम है। माय गॉड, इस रजिस्टर में साइन करो, वहां सर्टिफिकेट हासिल करो, कोई एक झंझट है? आप बैठिए ना। हर जगह इनफिशियंसी,
हर जगह करप्शन, माय गॉड। उस दिन आपने जो कुछ किया उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। जी वो तो मेरा फर्ज था। यह मेरे चाचा मिस्टर शर्मा। वी हैव मेट। बैठिए, टेक योर सीट्स। उस दिन आपको बहुत दुखी देखा, इसलिए आपसे मिलने चला आया। मीता जी, मौत और जिंदगी दो ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डेथ इज डेथ एंड लाइफ इज लाइफ। आपके लिए चाय मंगाई जाए? जी आप तकलीफ ना कीजिए, मेरा ख्याल है मैं अब जाऊं। अरे गोपाल, डॉक्टर साहब के ड्राइवर से कहो कि उनकी गाड़ी बरसाती में ले आए। जी मेरे पास कार नहीं है। कार नहीं है? माय गॉड, हे डॉक्टर विदाउट कार इज लाइक अ कार विदाउट अ कार्बोरेटर। आप बस में आए हैं क्या? जी। ओह, न जाने शरीफ लोग किस तरह बसों में आया जाया करते हैं, वहां तो सिर्फ पिक पॉकेट भरे रहते हैं। माय गॉड। शर्मा जी, पिक पॉकेट का डर तो उसको हो जिसकी जेब में पैसा हो। अच्छा अच्छा। अच्छा नमस्कार। माफ कीजिएगा, गाड़ियां तो दूसरी तीन तीन पड़ी हैं, लेकिन इस वक्त ड्राइवर एक दिन ही सब छुट्टी पे गए, वरना मैं आपको अपनी गाड़ी से भिजवा देता। माय गॉड। जी नहीं, मैं बस से ही जाऊंगा। सुनिए, मैं छोड़ देती हूँ आपको। चाचा जी, मैं जरा घूमा, घर पर दम घुटता है मेरा। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ बेटी, जरूर जाओ, मगर गाड़ी जरा होशियार से चलाना, आजकल सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है, उसी तरह जिस तरह देश की हालत खराब हो रही है। कुछ बोलिए तो दिल हल्का होगा। इतनी कोशिश कर रही हूं, मगर हर बार पिताजी की सूरत मेरे सामने आ जाती है। इस दुनिया में सुख भी है और दुख भी, मौत भी है और जुदाई भी, शांति भी है और अशांति भी, इन सब के होते हुए भी जिंदगी जिंदगी है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, डॉक्टरी, शायरी। लेकिन मेरी माँ मुझसे ज्यादा जानती है। वो कहती है बेटा डॉक्टरी करो, चीर फाड़ करो, जो जी चाहे करो, लेकिन दिन में एक बार गीता जरूर पढ़ लिया करो, मन का सारा मैल दूर हो जाएगा और काम में शक्ति मिलेगी। मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। जब उनका देहांत हुआ मैं 2 साल की थी। मेरा जी चाहता है मैं आपके माता जी के दर्शन करूं। जी हाँ जरूर, चलिए ना जब आपका जी चाहे। मेरी माँ तो आपको देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी माँ है बड़ी गुस्से वाली। देखिए ना, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, कभी कभी तो मुझे थप्पड़ भी मार देती है। थप्पड़ मार देती है? जी हाँ, एक दिन तो इतने जोर से मारा कि मेरा मुंह यूं हो गया। आपको आसादी है ना? लोकनाथ जी, कहिए तो एक प्रोसेशन हम भी निकाल दें। नहीं, ये सब हमें नहीं करना। अगर गांव वालों को हम पर भरोसा है तो वोट हमको ही मिलेगा। ये पब्लिसिटी का जमाना है साहब। एक काम करेंगे आप? क्या? तमाम गांव वालों को मालूम है कि शमा की माँ का राम प्रसाद से कुछ था। ये इलेक्शन का वक्त है, थोड़ी सी पब्लिसिटी। इस तरह वोट लेना है तो लानत है हम। राम
प्रसाद से जो लड़ेगा। देख लिया आपने, अब ये भी सुनना पड़ेगा हमें। लड़ने वाला से लड़ने वाला आप पैदा हो गया, और वो भी तुम्हारे राम प्रसाद ने पैदा किया, जिसका नाम है श्यामा। क्या कहा? मारो थाले को। तुमने अपनी जान कह ली है, तो ऐसा कभी नहीं करना। मुझे धमकी देता है? मैं तो जैसे बंदर को एक मिनट में सीधा कर सकता हूँ। क्या समझा तू? आप शरीफ आदमी है, आपको इन झगड़े में नहीं आना चाहिए। शिव प्रसाद, ये ठीक है मैं तुम्हारे बाप के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मगर फिर भी हम दोनों एक दूसरे के दोस्त है। मैं उन्हें बड़े भाई की तरह मानता हूँ। जब शौक से अपना जुलूस निकाल। हाँ जरूर निकालूंगा। चलो भाई चलो। आइए डॉक्टर साहब, थोड़ी चाय पीकर जाइए। जी नहीं शुक्रिया, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे बड़े जल्दी अस्पताल जा रहे हो? अरे ओ डॉक्टर, कोई दिल की बीमारी तो नहीं लगा ले? अरे चलो भाई चलो, अरे खाना चालू करो। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। हाँ जी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। अरे हाँ, जान लो पहचान लो फिर अपना वोट दो। कौन सच्चा है कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। हम जनता के सेवक हैं जी, हम जनता के सेवक हैं, हम करते हैं सेवा। वो जनता के दुश्मन हैं जी, वो जनता के दुश्मन हैं, वो खाते हैं मेवा। धोखा न खाना दमाना बुरा है, मुंह में है राम नाम और बगल में छुरा है। जान लो पहचान लो फिर अपना वोट दो। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, अरे हाँ पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। कौन सच्चा है कौन झूठा है, पहले ये जान लो फिर अपना वोट दो। राम प्रसाद जय जय, राम प्रसाद जय जय, लोकनाथ हाय हाय, लोकनाथ हाय हाय। इस छोटे से गांव को हम शहर बनाएंगे, और बैलगाड़ी के बदले रेलगाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलाएंगे जी, गाड़ी चलाएंगे। और स्कूल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पक्का वादा है पक्की सड़क भी बनाएंगे। जय जय राम प्रसाद, मेरा कहना मान लो फिर अपना वोट दो। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, पहले अपना वोट दो। क्या गाना है, क्या गाने के नौजवान कैसा लगा गाना? पता तो किसने लिखा? मेरे ख्याल से महाकवि भैया, मुझे माफ कर दे, मैंने नहीं लिखा। लिखा तो कभी स्कूल ही नहीं गया आपने। ये गाना मैंने, ये गाना मैंने जी? आपने लिखा है? वाह वाह, आपका जवाब नहीं राम प्रसाद जी, इसे गाना कहते हैं थर्ड क्लास रबिश। क्या कहा तूने? आपने लिखा है?
अरे मैंने नहीं लिखा था और किसने लिखा? अरे मेरे जैसा इंसान क्या नहीं कर सकता? क्यों नजीर? कौन इस्माइल? मैं, मेरा नाम अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने नजीर कहा। अरे भाई सुनो मेरी बात, मैं कह रहा था कि मेरे जैसा इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर चाहता तो बड़े से बड़े डॉक्टर बन सकता था, या चाहता तो बड़े से बड़े इंजीनियर बन सकता था, लेकिन मैंने राजनीति या पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों लिया? क्योंकि मेरी लिखाई पढ़ाई जरा कम रह गई। बहुत अच्छा हुआ बेटा कि तुम्हारी लिखाई पढ़ाई कम रह गई, वरना अगर तुम इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। क्यों क्यों क्यों? इसलिए बेटा कि अगर तुम डॉक्टर बन जाते तो हजारों मरीजों को मार देते, और अगर तुम इंजीनियर बन जाते तो मालूम है मुल्क में क्या करते? क्या करता? घंटा घर बनवा देते। पिताजी, खाली गांव में जुलूस लेके घूमने से कुछ नहीं होगा, यहाँ अपने बहुत से दुश्मन है। पिताजी फिर एक बार तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, इन सालों को एक एक को मैं सीधा करूंगा। हाँ हाथ छोड़ दे, तेरी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अरे उल्लू पर तू क्यों गरम हो रहा है? अगर तुम सुनोगे ना तो तुम भी भड़क उठोगे। अरे सुन के अगर भड़क जाता तो उसका सर फोड़ देता मैं। चुप रहा, क्या हुआ बोल? जानते हो उस लोकनाथ के बच्चे ने क्या किया है? क्या किया? अजी खुद के खर्चे से ग्वाल टोले में एक ट्यूबवेल लगा दी है। इसने बुरा किया? अच्छा तो किया। अच्छा किया? हाँ, तू ग्वाल टोला में दो ट्यूबवेल लगा दे, उसके नीचे मेरा नाम लग दे, निर्माता चौधरी राम प्रसाद। लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है पिताजी? उस ताले की ट्यूबवेल उखाड़ के मैं फेंक देता हूँ। तो ट्यूबवेल उखाड़ देगा? हाँ, लोगों का पानी बंद कर देगा। अरे गांव वालों का दाना पानी बंद करके मैं इलेक्शन नहीं जीतना चाहता। तू मेरा बेटा नहीं, तू गले की औलाद है। तू लोग आप फिर एक्साइटेड हो रहे हैं, बैठे प्लीज। क्या करूं डॉक्टर साहब, ये चौधरी राम प्रसाद का बेटा है लेकिन राजनीति से समझ ही नहीं आती। हजार बार इससे कहा कि जो कुछ करना हो अहिंसा प्रेम से कर, लेकिन जरा आप समझाइए इसे। मैं इसे क्या समझाऊंगा, आप ही समझाइए। आपका बेटा सारे गाँव में दंगा फसाद करने वाला था, आपका ख्याल नहीं होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। अरे डॉक्टर पुलिस की धमकी किसी दूसरे को? चुप रहा, माफी मांग डॉक्टर साहब से, किससे कैसी बातें करनी तुझे मालूम नहीं? ये उल्लू का पट्टा डॉक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए प्लीज। अबे कभी तो डॉक्टर की बात कर। चुप रहा तू मुंह खड़े खड़े क्या दिखा जाए यहाँ पे? हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन मारने से पहले एक चीज तो देख लो पिताजी। अरे क्या दिखाएगा तू? अरे सुल्तान, ओ सुल्तान चला। चौधरी राम प्रसाद को वोट दो। अच्छा, अच्छी तस्वीर बनी है। देखो पिताजी देखो, इस शैतान की सूरत बना दी तूने। शैतान नहीं पिताजी, आपकी तस्वीर है। ये मेरी सूरत है। वैसी शक्ल है तेरी, वैसी तस्वीर। इसे बाप कहते, तुझे शर्म नहीं आती? ठहर दे इसे, फाड़। ठीक है ठीक है पिताजी, जिसके लिए चोरी की वही चोर। अरे चल 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 जानो, हंसा मत। मैं हमेशा ये राम प्रसाद जी, आप प्लीज लेट जाइए, काफी एक्साइटमेंट हो गई, आपको चेक करना। डॉक्टर साहब मैं तो लेट जाऊं लेकिन मेरे इलेक्शन चौप आउट हो रहा। उधर लेखराज नहीं, लेखराज नहीं लोकनाथ। अरे हाँ वही लोकनाथ, वो नए नए पैंतरे कर रहा और मेरा बेटा ही बिगाड़ रहा। राम प्रसाद जी दो बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं आप, अब छोड़िए ये सब। पॉलिटिक्स के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते हैं आप? अब क्या करें डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है जनता की सेवा। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता ये मैं कैसे छोड़ दूं। इस यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट बनने के लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियां नहीं की। खाना पीना छूट गया, नींद हराम हो गई, मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, और आज मेरा बेटा आवारा हो गया क्योंकि मैं उसकी देखभाल ही नहीं कर सका। अब मेरे लिए देश की या जनता की सेवा के अलावा रहा ही क्या? आप कहते पॉलिटिक्स छोड़ दो। राम प्रसाद जी मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपनी सेहत के साथ भी प्रेम और अहिंसा का बर्ताव कीजिए। किशोर इनका ब्लड प्रेशर चेक करो, ये लीजिए। पॉलिटिक्स आप नहीं समझेंगे डॉक्टर साहब। लेट जाइए। हरे राम हरे राम। नमस्ते दीदी, डॉक्टर साहब अपने कमरे में। अरे भाई किशोर बाबू जी, ये लड़की कौन है? डॉक्टर साहब की दोस्त है, शहर से आई है। शहर से आई है डॉक्टर साहब की दोस्त? दयाराम दोस्त का मतलब समझे? तुम यहाँ अकेली बड़ी बोर हो रही हो ना? नहीं तो, मैं तुम्हारा काम देख रही हूँ, नाम सुन रही हूँ, लेकिन एक बात सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। वो क्या? तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो अब और भी ज्यादा हो गया। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं मीठा, जो बोझ को हल्का कर देती हैं।
अच्छा बाबू, ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। शाबाश बाबू। लेकिन बाबू, इंजीनियर बनने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन तो मैं चल भी नहीं सकता। कौन कहता है कि तुम नहीं चल सकते हो? वो देखो, सामने पहाड़ी है ना, वहाँ मैं और तुम दोनों जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, ठीक है ना? नर्स, बाबू को बाहर ले जाओ और ये स्टेप बांध दो। बेटा, देखने में हड्डियों में कोई कमजोरी या कोई खराबी मालूम नहीं पड़ती, लेकिन मुश्किल तो यह है कि मैं एक्सरे तक ले नहीं सकता। इस अस्पताल में तो कुछ है ही नहीं सिवाय टिंचर आयोडीन की और कुनीन मिक्सचर। हाँ, एक चीज है, ये टूटा फूटा माइक्रोस्कोप। फॉरवर्ड मार्च, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फुट। अरे प्रिटी दूध वाली, कभी हमको भी दूध पिला दिया करो। क्यों, बचपन में नहीं पिया क्या? अरे बचपन में पिया, फौज में पिया, लेकिन अस्पताल में कभी नहीं पिया। अरे अरे अरे, अरे, अरे। ए उल्लू, तुझसे कह रहा हूँ मैं, लड़की का हाथ पकड़ता है सबके सामने, हम बुजुर्गों का भी ध्यान नहीं तुझको। क्या वो दयाराम कौन है, कौन है ये? अरे ये बिलायती फौजी है ना, लेफ्टिनेंट। देखो बेटा, ये तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, इतने जूते पड़ेंगे कि खोपड़ी गंजी हो जाएगी, याद रखना। हाँ, कौन खोपड़ी गंजी करेगा? इधर देख बे, हम गंजी करेगा खोपड़ी? मुंह धोया? मुंह नहीं धोया बेटा, मगर तुम्हारी तबीयत अगर आज मैंने नहीं धोती तो मेरा नाम मुसाफिर रास्ता पाते, कदम कदम पे अटकते रहते, सारी रात भटकते रहते। दीदी, हाँ? रात को पीने के लिए पानी रख दिया है। ठीक है। रामू, तुमने खाना खाया? जी, खा लिया। दीदी, तुम लोगों के आने से मुझे बड़ा आनंद मिला है, इस घर में रौनक सी आ गई है, वरना यह घर हमेशा सुना सुना पड़ा रहता था। डॉक्टर साहब को तो अपनी किसी बात की परवाह है नहीं, वो भले और उनका हॉस्पिटल भला। डॉक्टर साहब सो गए? अरे वो कहीं सोते हैं, उनको न तो चैन है न नींद है, न जाने किस बात का दुख है। बाबू, अब तुम सो जाओ। अच्छा, सो जाओ। सोई नहीं, किन ख्यालों में खोए हो? ख्यालों की नाव चलती रहती है मीता, कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। ये सब मेरी वजह से है ना? तुम्हारी वजह से? तुम शांति से दिन गुजार रहे थे और मैंने आकर तुम्हारी शांत जिंदगी को परेशान कर दिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? ठीक ही तो कहती हूँ, दिन को 1 बजे खाने के लिए आना था, आए 7 बजे, रात को सोते नहीं, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? बहुत रात हो गई मीता, अब जाके सो जाओ।
बाबू को दवा पिलाई थी? हाँ। कुछ इंजेक्शन भी देने पड़ेंगे, पैर के लिए नहीं जनरल हेल्थ के लिए, काफी कमजोर हो गया है। एक बात कहूं, मुझे यहां से जाने दो। क्यों? तुम्हारी यहां बहुत इज्जत है और मैं यहां इस तरह रह रही हूं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारा बड़ा अपमान होगा। मीता, इस दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है और वो तुम हो। गुड नाइट। करो यार, आई मैंने हरी। जस्ट अ मिनट, स्टडी, स्माइल, स्माइल। थैंक यू, बाय बाय। अरे यार कहाँ जा रहे हो? सर्जरी का क्लास अटेंड नहीं करना है क्या? सर्जरी? आई मैं मास्टर ऑफ सर्जरी, अगर कहो तो तुम्हारा कान काट के दिखा दूं। जाओ। हर रंग के कितने खूबसूरत गुलाब हैं। अरे कैसे अजीब आदमी हो तुम, ये जगह तो बिल्कुल सुर्ख की तरह लगती है और तुम आंख उठाकर देखते भी नहीं। इन फूलों में क्या रखा है? क्या मतलब? अरे ये रोज गार्डन तो सारी दुनिया में मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं इन्हें देखने। दीवाने हैं। कौन? वो लोग जो दूर दूर से सिर्फ इन फूलों को देखने के लिए आते हैं। क्या मैडम जी, ये फूल भी कोई देखने की चीज है? ऐसा लगता है आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है। जी जी हो सकता है, लेकिन मैडम ये तो चार दिन की बहार है, ये फूल खिलते हैं दो दिन के बाद मुरझा कर नीचे गिर जाते हैं और फिर यही देखने वाले इन फूलों को अपने पाँव के तले रौंदते हुए चले जाते हैं। दुनिया में हर चीज चार दिन की है, हर चीज आनी जानी है। जो चीज मेरे पास है उसके सामने ये फूल बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो क्या चीज है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दुनिया में सिवाय फूलों के देखने की और कोई चीज ही नहीं? होगी मगर। होगी नहीं, है। क्या? तुम। मद भरी तोरी अखियां, रंग भरी मोरी बतियां, हम तुम होश में नहीं। मद भरी तोरी अखियां, रंग भरी मोरी बत्तियां, हम तुम होश में नहीं। पिया मैंने क्या पिया रे, पिया तूने क्या पिया रे, पिया मैंने क्या पिया रे, पिया तूने क्या पिया रे, तेरे बिन लागे ना। मीता, मैं तो दौड़ते भागते जिंदगी गुजार रहा था, मेडिकल कॉलेज से घर, घर से मेडिकल कॉलेज, एक मरीज से दूसरे मरीज, एक क्लास से दूसरे क्लास। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा हूं और वो तेज रफ्तार से भागती हुई जा रही है। अचानक तुम मेरे सामने आ गए और सब कुछ रुक गया। तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? नहीं मीता, मैं फिर से भागना चाहता हूं, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। तुम आओगे ना मेरे साथ?
माँ, 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 माँ तो कहाँ हो? माँ, 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 क्या बच्चों की तरह माँ 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 सड़क से चिल्ला रहा है? माँ, आज एक बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छी खबर? कोई खजाना मिल गया क्या? तभी तो इतना खुश हूँ माँ। आज मैं तुम्हारी बहू से मिलके आया हूँ। कहीं चुपचाप शादी तो नहीं कर ली? माँ शादी की नहीं है, हो जाएगी, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। अच्छा, मैं तो समझे कि तू अपने बुढ़े माँ को बताए बगैर ही शादी कर बैठा। कैसी बातें करती हो माँ? मेरी माँ तो कभी बुढ़ी हो सकती है, कभी बुढ़ी हो सकती है। तब तक बच्चों जैसे हरकतें करता रहेगा, तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया तू? तो बेटा कभी माँ के सामने बड़ा होता है? मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं 100 बरस का हो जाऊं फिर भी तुम्हारे सामने बच्चों जैसी हरकतें करता रहूं। अरे पगले, तू जब 100 बरस का हो जाएगा अब तब तक मैं तेरे साथ ही रहूंगी क्या? पागल हो गया तू? अच्छा, तू उस लड़की को एक बार यहाँ ले, मैं भी तो देखूं कैसी हूर परी है। माँ, हूर परी उसके सामने क्या है, वो तो एकदम एंजल है, एंजल। हाँ माँ, बहुत अमीर घर की लड़की है वो, बड़े ऊंचे ब्राह्मण खानदान से है, जिसे कहते हैं ब्लू ब्लडेड। मैं सोचता हूं तुम्हें उनके घर ले चलूं, तुम उसके चाचा चाची से मिल लो और बात पक्की कर डालो। माँ, माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये बड़े लोगों की बातों से मैं तो हमेशा डरती हूँ। डर किस बात का माँ? वो लोग बड़े हैं तो अपने घर के होंगे, और तुम्हारा बेटा भी कोई घसियारा नहीं, फर्स्ट क्लास डॉक्टर है, फर्स्ट क्लास। माँ, ये नहीं चाहते सुने कि तुम भी अपने पिताजी की तरह तकलीफ उठाओ। माँ, लोगों ने उनको कितना दुख दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी जात को नीचा समझा जाता है। किस जन्म की बातें कर रही हो माँ, आज जमाना बदल चुका है। कहाँ बदला बेटा, सुना है कि हम लोग आजाद हो गए हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी अमीर गरीब, ऊंचे लोग छोटे लोग, जात पात में वही फर्क। जात पात? तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है, तेरी मेरी मेरी तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है, समझ का है फिर और बात क्या है, समझ का है, अरे भाई समझ का है फिर और बात क्या है, तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है। बड़े बड़े लोगों ने छोटी सी बात न जानी, बड़े बड़े लोगों ने छोटी सी बात न जानी, गंगा का हो या कुएं का पानी तो है पानी रे भाई, पानी रे भाई पानी। बड़े बड़े लोगों ने छोटी सी बात न जानी, गंगा का हो या कुएं का पानी तो है पानी, बाहरी दुनिया हो दीवानी। झगड़ा जहाँ में दिन रात क्या है, झगड़ा जहाँ में दिन रात क्या है, तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है। छोटे आदमी का छोटा काहे को है नाव, छोटे आदमी का छोटा काहे को है नाव, बड़े आदमी के होते हैं क्या चार पाँव, चार पाँव, चार पाँव। छोटे आदमी का छोटा काहे को है नाव, बड़े आदमी के होते हैं क्या चार पाँव, वो बड़ा शहर छोटा गांव, छोटा गांव। ये भेदभाव छूत छात क्या है, ये भेदभाव छूत छात क्या है, तेरी जात क्या है, मेरी जात क्या है।
जिसने जैसे घर में जैसे कुल में जन्म पाया, जिसने जैसे घर में जैसे कुल में जन्म पाया, वैसा नाम वैसा काम वैसा धर्म पाया, रे भाई पाया रे भाई पाया, जिसने जैसे घर में जैसे कुल में जन्म पाया, वैसा नाम वैसा काम वैसा धर्म पाया, माँ ये तूने ही सिखाया। मर्जी प्रभु की अपने हाथ क्या है, मर्जी प्रभु की अपने हाथ क्या है, तेरी जात क्या है ओ मेरी जात क्या है, है तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी 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 तेरी। आइए डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार हो रहा है। तुम्हारी दीदी कहाँ है? मीता थोड़ी देर के लिए बाहर गई है। लेकिन मैंने तो उन्हें यहाँ रहने के लिए कहा था। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, शादी ब्याह के मामले में लड़के और लड़की का मौजूद रहना पसंद नहीं करते। ओह, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ, आप है मीता के चाचा चाची गार्जियन। नमस्ते। 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 माँ आओ बैठो, बैठो। आप माँ से बातचीत कर लीजिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, तुम्हारे बारे में हमें कुछ मालूम करना है। ठीक है, फरमाइए। डॉक्टरी तो तुमने पास कर ली, अब आगे क्या करोगे? सोचता हूँ किसी गांव में जाकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। गांव में कहाँ के रखा है? गांव में तो डॉक्टरों की खास जरूरत है। इसका मतलब यह है कि शादी के बाद तुम मीता को भी गाँव ले जाओगे? पत्नी को हर जगह हर वक्त अपने पति के साथ रहना चाहिए। क्या मीता ये सब नॉनसेंस मान लेगी? ये आप मीता से पूछ लीजिए। ये क्या बक रहा है? माँ मुझे हमेशा साफ और सीधी बात करने की आदत है। सुनील, देखिए आप लोग इसकी बात का बुरा ना मानिए, आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों को मिजाज तो आप जानते ही होंगे। पढ़ाई लिखाई में तमीज भी शामिल है। खैर जाने दीजिए, आपकी उम्र भी काफी है, बाल सब सफेद हो गए हैं। आप तो जानती ही हैं कि रिश्ता अगर बराबर वालों में नहीं हुआ तो कभी कामयाब नहीं होता। रिश्ता बराबर का जरूर होना चाहिए, पर जहां दो दिल मिल गए हो इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। अजी दिल को लेकर क्या चाहते हैं? खाना कपड़ा घर बार भी तो देखना होगा। मीता एक ढंग से पली बड़ी है और आपका बेटा दूसरे ढंग से। मीता का बाप एक अमीर आदमी था, आपको शायद ये नहीं मालूम कि उनकी तीन तीन फैक्ट्रियां हैं। मुझे सब कुछ मालूम है, मगर ये जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। देखिए देवी जी, हमारे रिश्ते नाते वाले बहुत ऊंचे लोग हैं, देख देखती उनसे हम आपका परिचय क्या देंगे? यही कि लड़का लाखों डॉक्टर में एक, छोटी जात का एक मामूली डॉक्टर है। नहीं, मेरा बेटा लाखों डॉक्टर में से एक हो सकता है, मगर ऐसा लड़का आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी आपके बारे में हमको सब कुछ पता है। लोग कहेंगे कि आपका लड़का डॉक्टर है सो ठीक है, मगर लड़के का बाप क्या करता था, तो हम क्या जवाब देंगे? बोलिए क्या कहेंगे? क्या ये कह दें कि लड़के का बाप जेल की आसामी था और जेल में ही मर गया? क्या ये कह दें कि लड़के की माँ एक नौकरानी का काम करती थी? और अगर किसी ने पूछ लिया कि नौकरानी के काम में ऐसा कितना कमा लिया जो अपने लड़के को डॉक्टरी पढ़ा दी, जरूर कोई और भी कमाई होगी, तो उस कमाई के बारे में हम क्या जवाब देंगे? बोलिए बोलिए ना। बकवास बंद कीजिए, हम यहाँ आपकी गालियां सुनने और सलील होने नहीं आए हैं। अपनी लड़की को आप अपने घर रखिए, यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना। क्षमा करना माँ, मेरी वजह से तुम्हारा इतना अपमान हुआ है, मुझे क्षमा करना। चलो यहां से चलो। शर्मा साहब, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं अपनी मां को यहां लाया।
आपने मेरी माँ की बेइज्जती की, उसे गालियां दी, लेकिन आपका ये समाज, ये जात जिस पर आपको इतना घमंड है, अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। नए जमाने के नए लोग आपको और आपके समाज को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इस अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अरे वाह, चोरी और सीना चोरी हम ही को सुना गया। नमस्ते माताजी। चलो मां। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी माँ का अपमान सहना पड़ा और मैं चुप रहा। अपमान? इस बेचारे को क्यों दोष देते हो? फिर किसको दोष दूंगा? अपनी किस्मत को, जिसने तुम्हें एक छोटे घराने में जन्म दिया। माँ, मैं किस्मत को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। सजनों, ये आप लोगों का इलेक्शन है, आप लोग जिसे मुनासिब समझे उसे ही वोट देंगे, मगर सब काम शांति से करना होगा। जो आदमी गड़बड़ करेगा उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अरे मेरे शम्मो रानी, मुद्दत से प्यासा हूँ मैं, एक बार तो हमें भी दूध पिला। अपनी माँ के पास जाकर पी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बुरी बुरी बातें करते हैं। अरे कौन बुरी बातें कर रहा है? क्या गड़बड़ है? नमस्ते हवलदार साहब। नमस्ते। हवलदार नहीं, थानेदार कहो। थानेदार साहब कुछ नहीं था, मामूली सी लड़की थी ना, मुझे तंग कर रही थी। अरे मगर ये तुम्हारे साथ सब लाठी लेके गुंडे लोग कौन है? हाजी, ये गुंडे कहाँ है, ये तो मेरे दोस्त है, दोस्त है। हाँ हाँ साहब। अरे क्या मुसीबत है, तीसरी बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन वोट देने वालों की सूरत तक नहीं देखी मैंने। सूरत देख रहा हूँ तुम मनहूसों की, बीमारों की, ये मेरा दुर्भाग्य है। तेरा दुर्भाग्य तो यह कि तू बीमार है। अरे बाबा लेट जा, आराम कर। देख दयाराम, आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरी तरफ से तू लेट जा, लेकिन मुझसे झगड़ा मत करना। नहीं झगड़ा करता, मरो जाके। अरे श्यामा सुन, ये इलेक्शन का क्या हाल है? तू रो क्यों रही? तुम अपने बेटे से पूछो ना, वो तो न जाने अपने आप को क्या समझता है, लगता है सारा गांव खरीद लिया। खरीद लिया तो तेरे बाप का क्या? अरे इतना बेशर्म है वो, मुझे मारा, देखो ना मेरा सारा दूध गिरा दिया। सीढ़ी भाई, अपनी माँ को भी अंग्रेजी में गाली देता है क्या? अरे ये चुप रहा। ओके ओल्ड मैन, ओके, जो कुछ बोलना है हिंदी में बोल। अच्छा बुढ़े, अच्छा बुढ़ा तेरा बाप। जय गोविंद नाम। अरे पंडित फेरो, जय गोविंद। क्या हाल है, क्या हाल है? कोई चिंता न कीजिए चौधरी जी, इस वर्ष भी जीत आप ही की होगी। आपके लिए मैंने गोविंद जी की पूजा की है, ताकि आप प्रेसिडेंट हो जाए, मेरे लिए मंदिर बन जाए और कुछ पौष्टिक पदार्थ मिला करे। लीजिए ये पूजा। ठीक है लेकिन बात तो सुनो मेरी, पर इलेक्शन का क्या हुआ? इलेक्शन? हाँ हाँ और तो सब ठीक है, लेकिन वो बाल टोला वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? वो कहते हैं कि लोकनाथ ने जो ट्यूबवेल लगाया था उसे आपके बेटे ने उठाकर फेंक दिया, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। सुना तुम लोगों ने? कुछ ब्राह्मण को भोजन चाहो, भोजन भोजन। तुम शुरू करा कभी बुला लो। मेरे बेटे साहब ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया यार, जो आके कुछ कह देता है बस तू उसको ठीक मान जाता है। अभी बुलाया है ना उसको, आएगा तो जो रिचार्ज कर देना। चुप रहा, इलेक्शन में हार गया तो मैं खुद जाता। अरे रामप्रसाद जी आप कहाँ जा रहे हैं? आपको चले फिरने से मना किया है, डॉक्टर साहब बिगड़ जाएंगे। अरे गोली मारो डॉक्टर को, अगर मैं इलेक्शन हार गया तो डॉक्टर मुझे इलेक्शन जिताएगा, है उसके पास उसकी दवाई, मैं जाता हूँ। अरे कोई रोको ही नहीं, कौन रोकेगा मुझे? रामप्रसाद डॉक्टर ने तुझे पलंग पर से उठने के लिए मना किया है। अरे और इस धूप में अगर जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा। अच्छा देख देख मेरी बात सुन, अगर तुम जाने की बात की है ना तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगा। ये बात बुला डॉक्टर को, बुला डॉक्टर को। सुन देख देख दयाराम, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जानता हूँ तू मुझसे दुश्मनी कभी नहीं कर सकता। इस वक्त मैं नहीं गया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। दयाराम मुझे जाने दे, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दे। विनती करता मगर देख देख देख, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगर डॉक्टर इस दरम्यान में आ जाए तो उसे संभाल लेना, मुझे जाने दे। संभाल तो मैं लूंगा, मगर एक काम करना,
तू ज्यादा भाग दौड़ मत करना, धीरे धीरे जाना, भाग मत कर, उसको फिक्र मत कर, यहां छोड़ दे जा। भाइयों, मेरे पास ना पैसे हैं ना दौलत और ना मेरी कोई हैसियत, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूं। अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों की दिलों जान से सेवा करूंगा। अरे रहने दो लोकनाथ, सिर्फ सेवा से कुछ नहीं होने वाला है, ये जनता अस्पताल के मरीज नहीं, उन्हें सेवा की जरूरत है। आइए रामप्रसाद, अगर उनके लिए तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास चाहिए दौलत, हैसियत और काबिलियत जो मेरे पास है। तुम जरा बैठ जाओ, मैं बात कर लूं। आइयो, मैं जानता हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो। सोच रहे हो कि दुश्मन के अड्डे में जबरदस्ती घुसकर उसी के खिलाफ कहना कौन सी शराफत है। लेकिन चौधरी राम प्रसाद सच कहने से न कभी डरा न डरे, सच और झूठ में उतना ही फर्क है जिसमें मुझ में और लेखराज में। जी मैं लोकनाथ। अरे बैठो यार, मुझे कहना ना, तो क्या कहना तो भूल गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये लोकनाथ जो हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है दरअसल कौन है। मैं सच कहूंगा, लोकनाथ हिंदी का एक अच्छा कवि है, उर्दू का ऊंचा शायर है और साप्ताहिक समारोह का संपादक है। और मैं कहूं अपनी तारीफ की ढोल पीटना बुरी बात जरूर है, लेकिन सच्ची बात ढोल पीट कर ही कहना चाहिए, चाहे वो ढोल फटा क्यों ना हो। हंसने की बात नहीं, यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने जनता के लिए जो कुछ किया वो तुम लोगों के सामने मौजूद है। 2,13,000 खर्च करके मैंने वो अस्पताल बनवाया, 18,000 खर्च करके वो घंटाघर जिसमें विलायती घड़ी लगवाई, 28,000 की प्राइमरी स्कूल और ये लाइब्रेरी है, और ये सब मैंने अपना पैसा खर्च किया ताकि जनता की चमड़ी भी न जाए और चमड़ी भी न जाए। ये ताने बजाने के नहीं समझने की बात है। आज देश तरक्की कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर जात तरक्की कर रही है, चमहार तरक्की कर रहा है, चुलाहा तरक्की कर रहा है, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं लोकनाथ, कभी भी अशार ने कोई तरक्की नहीं की, वो अभी भी क्षमा करवाने के पीछे पड़ा हुआ है। लैला मजनू के गीत गाया चला जा रहा है, आशिक माशूक की तरह रो रहा है और नदियों की मौजों में कूदता फिरता है। भला इन चकल्लस बाजियों से कहीं देश की सेवा की जा सके। भाइयों, मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मैं चलकर अस्पताल से आया हूँ तुम लोगों से मिलने। अगर मेरी बातें तुम्हें ठीक लगी हो तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ, हम चले। भाइयों, चौधरी जी जो बोल रहे हैं सब सच है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरी कोई तमन्ना नहीं थी, चौधरी जी की बीमारी की वजह से अस्पताल में थे, इसीलिए मैंने इलेक्शन में अपना नाम पेश किया। अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो भी चौधरी जी की मदद और सलाह के बगैर मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। चौधरी जी, आप इतनी तकलीफ उठा के क्यों अस्पताल के बाहर चले आए हैं? अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं खुद ही आपके सामने हाजिर हो जाता। आप जाकर आराम कीजिए।
तकलीफ उठा रहे हैं। मैं तकलीफ उठा रहा हूँ? मैं जिंदगी में कभी हारा नहीं लोकनाथ, हारने की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इंसान जीत कर भी हारता है और हार कर भी जीतता है। देखा कि आज भी लोग मुझे उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। क्यों नहीं? वो जो क्या नाम है उसका, लोकनाथ, जिसे मैं अब तक अपना दुश्मन समझता रहा, उसने क्या किया मालूम है? अपनी चादर निकाल कर मुझ पर डाल दी। कहा कि चौधरी साहब आप बीमार हैं, और भरी सभा में सबके सामने क्या कहा कि मैं ही प्रेसिडेंट बनने के लायक हूं। तो कौन सी नई बात कह दी? आपको वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? आपका और लोकनाथ का क्या मुकाबला है? ठीक कहा भाई तुमने, मेरा और लोकनाथ का कोई मुकाबला नहीं। उसमें क्या शक है? अरे ये बात नहीं, वो मुझसे महान है। आज जो सलूक उसने मेरे साथ किया, मैं उसके साथ कभी नहीं करता। प्रेसिडेंट उसे ही बनना चाहिए, और देख लेना जीतेगा वही। अरे पागल हो गया क्या? जब तक तू जिंदा रहेगा ना, प्रेसिडेंट तू ही बनेगा। अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मुझे कंधे पर उठाकर ले जाना। अरे कंधे पर उठाकर क्यों ले जाएंगे, हम तो सर पर उठा के ले जाएंगे। रामप्रसाद जी को, रामप्रसाद जी, चौधरी राम प्रसाद को प्रेसिडेंट के काम से छुटकारा मिल गया। हमेशा हमेशा। अरे ठीक है, हमने दारू पिए तो तुम्हारे बाप की नहीं पिए। तुम लोग भी सुन लो, सालों से तुम सब मर जाओगे, ये अस्पताल एकदम खाली हो जाएगा। रतन, ए रतन,
चलो बजा 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 मैं पूछ राम जी आप क्या कर रहे हैं चलिए अपने किस्से पे हमारा दोस्त मर गया वाला नहीं बजाता है राम दयाराम दयाराम ये क्या बचपना है आज फिर तुमने शराब पी ली तुम्हें तुम्हारे लिए शराब अच्छी नहीं है मेरे लिए शराब बहुत अच्छी है मुझे शराब पीना तो मुझे अपने दोस्त के पास चला जाना है मुझे हमारे जब वो जिंदा थे तब तो दिन रात झगड़ते रहते थे चलिए तू ठीक कैसे हो वहां तुम नहीं जानते कि जब दो आदमी मौत के किनारे पर खड़े रहते तो लड़ाई झगड़े में ही मजा आता है जिंदगी का टाइम तो मुझे सुना दो मुझे सुना दो तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी हमने मांगी तो मिली ना मौत भी तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी खाली हाथ आए थे खाली हाथ हम चले दिल जले खाली हाथ खाली हाथ आए थे खाली हाथ हम चले दिल जले खाली हाथ हमने चाहे थे फूल भी हमने पाई ना भूल भी तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी मीता निराश मत हो हमने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है इंग्लिस्तान का पढ़ा लिखा रेलवे में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मेरे भाई का लड़का है ब्राह्मण जमींदार चाची क्या शादी करना जरूरी है बस बस छोड़िए उल्टी सुल्टी बातें लड़की हमेशा पराया धन है ये नाटक का स्टेज नहीं शरीफों का घर है ये शरीफों का घर है इसीलिए डॉक्टर सुनील और उनके माताजी से मुझे मिलना बहुत जरूरी अरे उनसे मिलकर क्या करेगी मीता तू नहीं जानती उन दोनों की आंखें तेरी दौलत पर है जायदाद पर है चाची मुझे उनसे मिलना जरूरी है ठीक है मैंने तेरे पिता को वचन दिया था कि तुझे अपनी बेटी की तरह पालूंगी तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी क्या तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं तू चाहती है कि मैं अपना वचन तोड़कर तेरे पिता की आत्मा को दुख पहुंचाऊं चाची मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पिताजी की आत्मा को दुख पहुंचे मगर चाची मुझे उनके माताजी से माफी मांगना जरूरी है ना दिया ना किरण मन का ये सूनापन फूके तन ना दिया ना दिया ना किरण मन का ये सूनापन फूके तन ना दिया दूर गलियों में रात भर झिलमिलाती है चांदनी तूने हमें क्या दिया रे जिंदगी
बेईमान बेकदर तू मगर बेवफा। बेवफा बेखबर बेईमान बेकदर तू मगर बेवफा। गीत गाता है तेरे ही दुनिया में हर आदमी, तूने हमें क्या दिया दी जिंदगी, तूने हमें क्या दिया दी जिंदगी। बड़ी तूफानी रात थी, एक जगह लाइन टूट गई थी और उन्हें इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। सुबह 4 बजे फोन पर खबर आई, सुनते हुए मैं भागी हुई गई। जब वहां पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कोहरे और तूफान में ट्रॉली एक मालगाड़ी से टकरा गई थी और वो खत्म हो चुके थे। कितनी बार समझाया कि रेलवे की नौकरी मत करो, अपनी 3-3 फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करो, पर मानता ही ना था ये आजकल के लड़के तो। ये रोना धोना छोड़ो चाची, ये नाटक का स्टेज नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ बाबू भी है, इसकी परवरिश भी करनी है मुझे। ये क्या कहती हो बेटी, तुम हमारे साथ रहोगी, बाबू की परवरिश के लिए तुम्हारे पिता बहुत दौलत छोड़ गए। मतलब ये कि आप दोनों मेरी दौलत के साथ रहेंगे। तुम्हारी दौलत के साथ क्यों, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हमारी सेवा करना मीता। पैसा खर्च करने से सेवा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आप लोग तैयार हो जाइए, मैंने वकील बुलाया है। वकील? इसलिए? मेरी तीनों फैक्ट्रियां, ये मकान, सारी जमीन जिस पर आप दोनों की नजर है, ये सब मैंने दान करने का फैसला कर लिया है। दान? अब आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए। मीता! चाचा जी, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है। ये आपका घमंड, जात पात की नीच ऊंच, आपकी खुदगर्जी जो 5 साल तक मुझे साम बनकर डसती रही। मीता, आप लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते चाचा जी, किसी की बिगड़ी को बना नहीं सकते, आप लोग सिर्फ बर्बाद करना जानते हैं। मैं अपने बाबू पर ऐसी गंदी छाया नहीं पड़ने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो भी आपकी तरह दौलत के गुलाम ही करे और जंगली जानवर बन जाए। वो एक आजाद इंसान की तरह खुली हवा में बड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। मगर तुम्हारा घर ढूंढने में बड़ी मुसीबत हुई। तुम क्या समझी, मैं कहीं जाना क्या पूरी में रहती हूँ। नहीं, मैं डर रही थी कि पता नहीं तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली थी या नहीं। चलो अंदर चलो। तुम्हारी चिट्ठी भी मिल गई और सब काम भी हो गए। मेरे कमरे के बराबर वाला कमरा है ना, वो तुम्हारे लिए मिल गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे लिए कुछ काम धंधा ढूंढा क्या नहीं? एक फैक्ट्री में उसका भी बंदोबस्त हो गया है। अब हमारी दोस्त मीता देवी प्रोप्राइटर्स ऑफ 3 फैक्ट्रीज खुद फैक्ट्री में काम करेंगी। अब कुछ अपने बारे में बताओ, क्या कर रही हो, कैसी हो, शादीवादी करनी है या सारी जिंदगी ऐसे गुजारने का इरादा है? अरे छोड़ो शादीवादी, माता जी ने 3-3 बार कोशिश की और तीनों बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद, किसी को मेरा चश्मा नहीं पसंद, किसी को मेरा काम नहीं पसंद। मैंने भी सोचा
मारो गोली शादी को। लीला मैं जा रही हूँ, बाबू को देख लेना। सुबह होने वाली है, सोगी नहीं? ना जाने मेरी सुबह कब होगी। कल बाबू को शहर ले जाना चाहता हूं। क्यों? सोचता हूं किसी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करूं, मेडिकल कॉलेज में जाकर बाबू का पूरा चेकअप करवाऊं। घबराने की कोई बात नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टरों से फीस नहीं लेते हैं। तुम अगर साथ होती तो अच्छा होता, शायद ऑपरेशन कराना पड़े और तुम्हारी इजाजत के बगैर। तुम्हारी इजाजत काफी है, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो नहीं है मगर वो मेरे प्रिंसिपल थे, मैं खुद डॉक्टर हूँ। थैंक यू वेरी मच। किसी डीसी और ईएसआर की रिपोर्ट मेरे चैम्बर में भेजो। राइट सर। सर यस जी, मैं सुनील सर। जी आपका पुराना स्टूडेंट, पहचाना नहीं सर? आई रिमेम्बर नाउ, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन को एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला करना होगा और हम उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। यू आर द वाइब्रेंट, आरंट यू? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। हाउ इज योर गुड हेल्थ सर? इट इज अ गुड वन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर आपको तकलीफ देने आया हूँ। आपसे अपॉइंटमेंट भी नहीं ली और ऐसे ही चला आया। सो व्हाट, चलो। थैंक यू सर। बड़े हो गए क्या बनोगे बेटे? बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनोगे? वेरी गुड स्मार्ट बॉय, जस्ट लाइक हिज फादर। जी नहीं, जी हाँ, ही इज अ स्मार्ट बॉय सर। क्या ट्रीटमेंट किया था सुनील? जी हाँ, मैंने सोचा था कोई न्यूरोलॉजी का एलिमेंट है, इसलिए जनरल टॉनिक, एनाल्जेसिक और विटामिन बी देकर कोशिश की थी। नो सुनील, मुझे लगता है ट्यूबरकुलोसिस जॉइंट है। हो सकता है मैं गलत हूं, एक्सरे करके देखेंगे। बाबू तुम्हारा एक्सरे कल होगा, आज तुम्हारी छुट्टी। आज हम खेलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, सिनेमा देखेंगे। हाँ Thank you.
मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। जब उनका देहांत हुआ मैं 2 साल की थी। मेरा जी चाहता है मैं आपकी माता जी के दर्शन करूं। हाँ जरूर चलिए। सुना है डॉक्टर साहब की जगह आजकल आपकी डॉक्टरी चली है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? यहाँ और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं? गांव वालों की तरफ से बोलने का मुझे पूरा पूरा अधिकार है। अरे आपने इस अस्पताल को तो ताजमहल बना के रखा है, ताजमहल। प्यार मोहब्बत की पिंगे बढ़ रही है। क्या आप लोग समझते हैं हम गाँव वाले अंधे हैं? हम सिर्फ घास काटते रहते हैं, जिसके जो जी में आए करे, कोई रोकने वाला ही नहीं। तुम जैसे रोकने वाले बहुत देखे हैं। एक बात याद रखना, मैं कोई श्यामा जैसी गांव की गवार लड़की नहीं हूँ जो तुम जैसे बदमाशों से डर जाऊं। अच्छा जी, तो बड़ी हिम्मत है। हम तो हिम्मत वाले आदमी की बड़ी इज्जत करते हैं। देखिए देवी जी, मेरे पिताजी 3 बार इस गांव के प्रेसिडेंट बने थे, उनके बाद अब सिर्फ मेरा अधिकार है। मगर तुम्हारे और डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो बीच में बड़ी गड़बड़ करता है। वो साला लोकनाथ बड़ा प्यारा है ना उनका, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी दीदी जी, आप अपने डॉक्टर साहब को लेकर यहाँ से चले जाइए, ताकि आपको अपना प्यार मिले और मुझे मेरा हक प्रेसिडेंट ही। क्यों? और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? ओ, तो फिर आपके लिए बहुत मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। मुझे तो मुसीबतें झेलने की आदत है। ये देखो सुनील, ये बूढ़ा ठीक ही कह रहा था ना, बोनी रेरिफिकेशन दिखाई दे रहा। इट्स अ डेफिनेट केस ऑफ ट्यूबरकुलर हिप जॉइंट, इसका तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन सुनील, इट्स अ सीरियस ऑपरेशन। टेक चांस सर, आप ऑपरेशन कीजिए। कम ऑन सुनील, ऑपरेशन अटेंड करो। काम जब तुम स्टूडेंट थे तो कितने क्रिटिकल ऑपरेशन में तुमने असिस्ट किया था, एंड दैट टू हाउ एफिशिएंटली। कम ऑन बाबू बेटा, 1 से 10 तक गिनो। बाबू कैसे बेटा? अरे क्या हुआ बाबू, तुम रो रहे हो बाबू? देखो बेटा, अब तो तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो गया है, अब जल्दी जल्दी घर चलेंगे। हाँ चुप हो जाओ। देखो बाबू, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे बाबू? मैं तो कहीं नहीं गया था बेटा, मैं तो सारी रात सोया नहीं कि कब सुबह होगी और मैं अपने बाबू के पास आऊंगा। बाबू अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। शाबाश, अब आंसू पूछ दो।
हेलो सुनील, तुम तो मुझसे ही पहले पहुंच गए हैं। वेरी गुड। हेलो यंग मैन, फाइन, वेरी फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इसके बाद का ट्रीटमेंट तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। यस सर। और देखो, इसको वो क्रचेस वगैरह मत देना जी। हाँ, टांग का नेचुरल तरीके से हिलना जुलना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसे खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा ना। राइट सर। बाय यंग मैन। दो दिन जुदाई हुई मेल हुआ, जीवन हुआ कि कोई खेल हुआ। दो दिन जुदाई हुई मेल हुआ, जीवन हुआ कि कोई खेल हुआ। कोई हारा कोई गया जीत दे, गीत बिना। बाबू कैसे हो? बाबू कैसे हो? बाबू एकदम ठीक है। अब देखिए कितनी जल्दी चलना शुरू कर देगा बाबू। क्यों बाबू, बोलो माँ को। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबू। अब तुम दोनों माँ बेटे जी भर के बातें करो, मैं अस्पताल जाता हूँ। वहां भी तो मेरे बहुत से बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छी तरह रहे ना, उन्हें बहुत परेशान नहीं किया ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, हमें बहुत घुमाया। गुलाब का बाग भी देखा और पुराना किला भी देखा। आपका रिलीज डे है, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये तो आप ही की कृपा है। हीरा, मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी भी तैयार कर दी है। शहर में मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं, वो बगैर पैसा दिए हुए तुम्हारा एक्सरे कर देंगे। ये लो। डॉक्टर साहब, आपने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया है, कैसे मैं आपको शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं हीरा, मैंने क्या किया है, ये तो श्यामा की सेवा और उसकी गाय के असली दूध का करिश्मा है। भला दवा से कभी मरीज अच्छे होते हैं? शहर से लौटकर तुम लोग मिलने तो आओगे ना? जी, अब हम इस गांव में कभी नहीं लौटेंगे। क्यों? अपना गांव, अपने लोग छोड़कर कहां जाओगे? इस गांव से, इस समाज से हम दोनों को मिला ही क्या है, सिर्फ नफरत ही मिली है। डॉक्टर साहब, आप शायद ये सुनकर खुश होंगे कि मैं श्यामा से शादी करने वाला हूँ। आप मेरे शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हुए? नहीं हीरा, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। यहां से दूर किसी सड़क के किनारे, जहां जहां हजारों राहगीर आते जाते रहते हैं, वहां एक छोटी सी झोपड़ी बसाएंगे। डॉक्टर साहब, उन्हें गाना सुनाकर उनकी सफर की थकान दूर करेंगे। हम भी बहुत थके हुए हैं हीरा, हमें भी कुछ सुना दो। श्यामा, खुश रहो साथियों, खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले, हमें छोड़ के हम चले।
हर खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। मुझे तेरे प्रेम ने गोदी मौत से बचाया है। मुझे तेरे दुख ने सैया कितना रुलाया है। ओ मुझे तेरे प्रेम ने गोदी मौत से बचाया है। बहते बहते मगर ये आज तू थम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें हम नहीं भूलेंगे, हमें तुम भुलाना ना। मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना। तुम्हें हम नहीं भूलेंगे, हमें तुम भुलाना ना। मिलेंगे कभी आशा के दीपक बुझाना ना। हंसते हंसते तुम्हारी आंखें करके नम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। जुदाई आई प्रेम की रतियां। गई रे जुदाई, गई रे जुदाई आई प्रेम की रतियां। किसी और के मुखड़े पे ठहरे ना किया। तेरे मुख पे सवरिया मेरे नैना जम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले, हमें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। खुश रहो साथियों, तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले। तुम्हें छोड़ के हम चले। अरे तुम्हें छोड़ के। जब तक ये डॉक्टर का बच्चा यहाँ है, हम कुछ नहीं कर सकेगा। वो साला लोकनाथ हर साल प्रेसिडेंट बनता रहेगा। हाँ तो सर फोड़ दो साले डॉक्टर का। चुप देख गधे। हाँ सर फोड़ दो डॉक्टर का। गांव वाले डॉक्टरों को इतना चाहते हैं कि हमने उसे हाथ भी लगाया तो अपनी खोपड़ी फोड़ देंगे। हाँ उसके लिए कुछ और ही दवा सोचनी पड़ेगी। बाबू अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। तुम्हारी टांग भी ठीक हो गई है। अब उठो बेटा, उठो। हमसे नहीं होगा। बाबू मैंने तुम्हें कितने इंजेक्शन दिए, कितनी दवाइयां दी, तुम्हें कुछ नहीं है। बाबू तुम बिल्कुल ठीक हो। उठने की कोशिश करो, उठो। शाबाश शाबाश शाबाश। हमसे नहीं होगा। देखो बाबू तुम्हारी टांग का ऑपरेशन हो चुका है, तुम्हारी पट्टियां उतर चुकी हैं। मैंने तुम्हारी टांग की मालिश की है बाबू। तुम चल सकते हो, तुम उठ सकते हो। चलो उठो उठो। हमसे नहीं होगा।
बाबू तुमसे होगा, उठो, उठने की कोशिश करो बाबू, उठो, शाबाश, उठो, शाबाश, तुमसे नहीं होगा, तुमसे होगा बाबू, होगा, बाबू, बाबू, उठो बाबू। नहीं होगा बाबू, अच्छा नहीं हो सकता, ये सब कोशिश बेकार है। मीता, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाला, लेकिन अब और ये बर्दाश्त नहीं होगा। मीता, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, बाबू की किस्मत में चलना नहीं है। मीता, मैं किस्मत को नहीं मानता, नहीं मानता। कल से जब मैं बाबू का इलाज करूं, तुम वहां नहीं होगी। बाबू, तुम्हें कोशिश करना पड़ेगी बेटा, अगर तुम चलोगे नहीं, भागोगे नहीं, तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम्हारी मां क्या कहेगी। कमीने, मैं चूहे, तुम्हारे कहीं के। ए, चलो। चलो भाई, चलो, चलो भाई। सब क्या हो रहा है? शिव प्रसाद पत्थर फेंक रहा था, रतन उसके पीछे गया है। क्यों? वो बहुत बदमाश है डॉक्टर साहब, आपके और दीदी जी के बारे में न जाने क्या क्या बकते रहते हैं। क्या चोरों की तरह पत्थर फेंकते हो? अरे अगर मर जाए तो सामने आकर मुकाबला कर। अरे पत्थर, अरे ओ कुत्ते, तू भोंक रहा है राजा। अपने मैदान में आकर सिपाही की तरह लड़, पत्थर तू लड़। अबे अगर तू राम प्रसाद का असली बेटा है, मुकाबला कर, आपका नाम लिख रहा है। गाली देता है। मारो साले, सर फोड़ दो। बदमाश, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो, ले जाओ इन्हें। शोर, स्ट्रेचर, जल्दी। अभी लाया डॉक्टर साहब। चुप क्यों अमिता? मुझे बार बार रतन का ख्याल आता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ऐसा क्यों सोचती हो अमिता? अगर मैं यहां ना आती तो न रतन की ये हालत होती और न तुम्हारा नाम खराब होता। तुम खामखा अपने आप को दोष दे रही हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आया करूंगी, मैं घर जाती हूं। क्यों बाबू, अच्छी जगह नहीं है? हाँ, हाँ? अच्छी बात है, तुम यहां बैठो और हम खेलेंगे। अब लड़े लड़े आ, 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 आ।
के मेरे पास आ। मैं नहीं आ सकता। अरे बाबू तुम आ जाओगे। नहीं मैं नहीं आ सकता। देखो उठो हम दोनों मिल के ऐसा सा लंगड़ी खेलेंगे, लंगड़ी ऐसा ऐसा ऐसा। आ? नहीं भाग, मुझे पकड़ो 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 पकड़ो, गिर गए। अंकल गिर गए, अंकल गिर गए, अंकल गिर गए। अब बाबू अब मुझे उठाओ ना प्लीज। मुझसे नहीं हो सकता बाबू। अब और मैं कर भी क्या सकता हूं। ए बच्चे लोग, ये लो मिठाई खाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो। हाँ और लो, और सुनो आज बाबू के साथ खेलेंगे मिलके। हाँ चलो यहाँ बैठ जाओ। हाँ अरे भाई राजू का। बाबू आज मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ बाबू। ओ बाबू बाबू
तुम्हारी सैर हो गई बाबू? मीठा, क्या आज ही जा रही हो? जी। इतनी जल्दी भी क्या है? समझ लीजिए, मैं खुद गर्ज हूं, अपने मतलब के लिए आई थी। बाबू के पैरों में जान डाल दी आपने, अब मैं जा रही हूं। अब इसकी जरूरत नहीं। तो फिर हमारे अस्पताल में दान कर। कुछ सोचा है बाबू को लेकर कहां जाओगे? तुमने मेरे लिए दुनिया के सारे दरवाजे खोल दिए। अब कहीं नौकरी करके दुनिया का कोई भी काम करके अपने बेटे की परवरिश करूंगी। और तुम देखना, एक दिन में से बहुत अच्छा इंसान बनाओगी, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बनाया। मीता, न जाने कितनी बातें थी दिल में जो मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने का मौका ही ना मिला। तुम्हारे बिना कहे मैं सब कुछ जान गई। मेरे सिवा तुम्हें और कौन समझ सकता है? तो क्या हमारी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं मीता? हम दो सितारों की तरह हैं, जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते, मगर हम हैं। चलोगे? नहीं बेटे, आपसे माँ की देखभाल तुम ही करोगे। माँ की हर बात मानोगे, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाओगे, है ना बेटे? बड़े इंजीनियर बनोगे, है ना? नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बाबू, तुमने ठीक कहा, तुम डॉक्टर बनोगे।
तुम डॉक्टर बनोगे बाबू, मैं तुम्हें डॉक्टर ही बनाऊंगी, मैं तुम्हें डॉक्टर ही बनाऊंगी, तुम जैसा डॉक्टर। मीता, मीता।